आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ होममेड लोशन बनाने की रेमेडी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने इस लोशन को एक बार बना लिया और घर में यूज़ किया तो आप बाज़ार का लोशन कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। तो ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत ही परफेक्ट है, बाकी स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये लोशन और स्किन टाइप के लिए है। तो सर्दियों में ये लोशन यूज़ करने से आपके हाथ और पांव नरम रहेंगे। तो आइए इस लोशन को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे एक साबुन, सोप लेंगे। आप जो भी यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस लोशन बनाने में। तो हम यहाँ पे सिंपल सोप ले रहे हैं और इसको हम शेड कर लेंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से ये बस ये प्रोसीजर जो है ये मुश्किल है थोड़ा सा, और इसके बाद बहुत ही आसान है आगे। तो यहाँ पे मैंने साबुन को इस तरीके से शेड कर लिया, ये देखें इतना सा। ये पूरा मैंने साबुन नहीं किया, मैंने थोड़ा सा बचा लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको नाप लेंगे एक प्याली में डाल के, एक प्लेट या प्याली में, जिसमें भी कप में आप डाल के ये नाप लें कि कितना है ये हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें एक प्याली है तकरीबन। तो यहाँ पे मैं इसी नाप से अब मैं ये ऐड कर दूँगी एक बड़े बॉल में जो हमने शेड किया साबुन। तो ये देखें इस तरीके से। अब हम लेंगे गुलाबों का अर्क रोज़ वाटर। तो यहाँ पे रोज़ वाटर जिस प्याले से मैंने साबुन को नापा था उसी से मैं अब रोज़ वाटर एक प्याली इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखें इस तरीके से। तो ये देखें हो गया, ये साबुन और रोज़ वाटर हमने डाल दिया। अब इसको मैं सोक करेंगे पूरी रात के लिए। रात को इसको भिगो के इसी तरीके से रख देंगे और इसके बाद हम सुबह उठ के इसका लोशन बनाएंगे। तो ये गुलाबे अर्क इसलिए डाला है कि इसमें कोई भी केमिकल है तो वो ख़त्म हो जाए इस साबुन में, और ये सिंपल सा सोप हमारा तैयार हो जाए। तो ये देखें इस तरीके से सुबह आपको कुछ ये साबुन जो है मिलेगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना, इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो आपने इसकी बिल्कुल ख़त्म करनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ सी एक पेस्ट आपने बना लेनी है इसको अच्छे तरीके से फेंट के। तो आप चाहें तो ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लें, जिस तरह मैंने भी ग्राइंड कर लिया, क्योंकि हाथों में से इतना ज़्यादा नहीं इसको किया जाता। ये देखिए हमारी सिंपल सी एक पेस्ट तैयार होगी। यहाँ पे मैंने पौनी प्याली इसमें मैंने डाला है लेमन जूस, ये ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो ये देखें लेमन जूस भी हमने मिक्स कर दिया। अब कुछ और इन्ग्रीडियंट इसमें जाएंगे, अभी कुछ और इन्ग्रीडियंट इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने किया सॉल्ट, नमक इसमें ऐड किया है मैंने एक छोटी चम्मच, और यहाँ पे फटकड़ी है, ये भी बहुत अच्छा स्किन के इन्ग्रीडियंट है, ये मैंने डाली एक आधी चम्मच, और सोडा, मीठा सोडा आपने करना है वो भी आधी चम्मच। ये सारी चीज़ें आपने इनको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। ये जो लोशन हम बना रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन एक तो जो है ड्राई स्किन भी सही हो जाएगी, और इसके बाद आपके वाइटनिंग लोशन है ये, आपकी स्किन को वाइट करेगा और आपकी स्किन को स्मूथ भी बनाएगा। बहुत ही अच्छा लोशन है, ये हमने खुद यूज़ किया हुआ है, तो मैं बाद में आपको बताती हूँ, पहले खुद हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये रेमेडी ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें ये जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है ग्लिसरीन, ये ऐड करेंगे यहाँ पे। ये भी पौनी प्याली हमने इसमें ऐड कर दी है ग्लिसरीन, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो सारे हमने इन्ग्रीडियंट ऐड किए हैं ये बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट की शेप में आ जाए। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन ये अगर आप जब भी रखेंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सा बिल्कुल नरम सी लोशन की शेप में आ जाएगा। अभी क्योंकि हमने इसको ग्राइंड किया है, बिल्कुल इसकी स्मूथ सी पेस्ट मैंने बनाई, तो इस वजह से इस तरह हो गया। तो जब आप इसको बॉटल में या किसी चीज़ में डाल के रखेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी, जिस तरह लोशन हमारा आम हम खरीदते हैं बाज़ार से, बिल्कुल ऐसा ही तैयार होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लोशन है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप हर टाइप की स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को भी इस्तेमाल करने दें, बूढ़ों को भी, तो सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। बहुत ही अच्छा लोशन है और बिल्कुल कमर्शियल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया। तो ये देखें मैंने एक बॉटल में ऐड किया है, और ये मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा गाढ़ा है इसलिए ये इस तरीके से। ये देखें मैं आपको लगा के, ये फौरन स्किन में जज्ब हो जाएगा और आपकी स्किन जो रिंकल हैं वो भी ख़त्म करेगा। बहुत ज़बरदस्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।